फ्यूचर परफेक्ट का जो पार्ट टू है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस बिफोर का बनाया जाता है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम परफेक्ट का जो टेंस है वो सिंपल तरीके से बनाते हैं, और इसमें हम जानेंगे कि बिफोर या आफ्टर वाला यूज़ किस तरीके से यूज़ करके हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं, वो भी फ्यूचर का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि बिफोर का यूज़ कहाँ होता है और आफ्टर का यूज़ कहाँ होता है। बिफोर का यूज़, इससे पहले बताया था मैंने, बाय की जगह बिफोर की जगह बाय का यूज होता है। तो इसका मतलब बिफोर किसी भी काम को करने से पहले अगर कोई घटना हो चुकी है या कोई काम हो चुका है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, बिफोर। ठीक है ना, अब बात हम करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि उसके आने से पहले मैं ऑफिस जा चुका हूँगा, उसके आने से पहले मैं ऑफिस जा चुका हूँगा, पहले क्या काम हुआ, पहले मैं ऑफिस जा चुका हूँगा, उसके बाद वो आया। अगर मैं पहले ऑफिस जा चुका हूंगा तो पहले वाला जो टेंस है वो बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद वाला टेंस है ये होता है पहले वाला, और जो बाद वाला टेंस है वो बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए पास्ट परफेक्ट एंड होता था कि पास्ट का इंडेफिनिट आता था, लेकिन फ्यूचर में गाइस प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट आपको पता ही होता होगा कि जहाँ सिंगुलर के साथ में, यानी कि आपका थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग होता है, बाकी का हेल्पिंग वर्ब डूडज होती है, तो वही सेम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब हम बिफोर लगाएंगे तो पहले कौन सा सेंटेंस लेंगे, आफ्टर कौन सा सेंटेंस लेंगे। देखिए हमने लिखा यहाँ पर बीच में बिफोर सबसे पहले, अगर हमने बिफोर यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल समझिए हमने लिखा बिफोर, तो बिफोर से पहले क्या आएगा और आफ्टर क्या आएगा। तो बिफोर बीच में आ गया तो इसका मतलब इसके बाद में वो वाला काम होगा जो बाद में हुआ होगा, और इससे पहले वाला क्या आएगा यहाँ पर, जो पहले हो चुका होगा। जैसे कि एग्जाम्पल था हमारा यहाँ पर, उसके आने से पहले मैं ऑफिस जा चुका हूँगा, तो मैं ऑफिस पहले जाया हूँगा, उसके बाद तो वो आया होगा, तो पहले जो काम हुआ यहाँ पर आएगा और जो बाद में काम हुआ वो यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जैसे कि हमने यहाँ पर बिफोर लगाया तो इससे पहले कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पर आएगा फ्यूचर परफेक्ट का, उसके बाद किसका आएगा, यहाँ आएगा सर प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो बच्चों हमने सेम स्ट्रक्चर लिया, कैसे, उसके जाने से पहले मैं ऑफिस जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन टू ऑफिस, आई विल हैव गॉन टू ऑफिस, इसका मतलब है कि मैं ऑफिस जा चुका हूंगा बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले। देखिए यहां पर कम के साथ में एस आया है, यानी कि एस आई एस, और एस आई एस कहां आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बच्चों। ठीक है, तो हम बाद में यूज करेंगे, बिफोर के बाद यूज क्या करेंगे हम, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, उससे पहले करेंगे फ्यूचर का परफेक्ट। क्लियर। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं इसका हम, दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, दूसरा सेंटेंस है सूरज छिपने से पूर्व माँ ने खाना बना लिया होगा। पूर्व का मतलब भी वही होता है पहले, तो पहले कौन सा काम हुआ है, पहले हुआ है माँ ने खाना बना लिया होगा, और उसके बाद क्या हुआ, सूरज छिपा होगा। तो मदर विल हैव कुक्ड फूड। देखिए बात ये आती है कि कुकड़ क्यों आया, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट चल रहा है हमारा। तो मदर विल हैव कुकड फूड बिफोर द सनसेट। सनराइज का मतलब होता है सूर्य उदय, और सनसेट का मतलब होता है सूर्य अस्त। क्लियर हो गया। चलिए तो कैसे बोलेंगे इसको, मदर विल हैव कुक द फूड बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट है आपका, उसके आने से पहले मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँगा, तो क्या कर चुका हूँगा, मैं पहले कॉलेज पहुंचा हूँगा, तो आई शैल हैव रीच्ड कॉलेज, आई शैल हैव रीच्ड कॉलेज बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले वह मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँगा, तो आई शैल, आई के साथ में क्या आ गया, शैल आ गया, आई शैल हैव, यहाँ पर बिल भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप आई के साथ यहाँ शैल यूज कर लीजिए, आई शैल हैव रीच्ड कॉलेज, मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँगा बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका,
सूर्य उदय से पहले मैं दिल्ली निकल चुका हूँगा, तो यानी कि सूर्य उदय बाद में हुआ है और मैं दिल्ली पहले निकल गया हूँ। तो गाइस अगर मैं पहले निकल गया हूँ तो वो बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में। तो मैं दिल्ली निकल चुका हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई शैल हैव लेफ्ट टू दिल्ली, आई शैल हैव लेफ्ट टू दिल्ली। क्या करने से पहले? सूर्य उदय से पहले, तो बिफोर द सन राइजेज। राइजेस क्यों आया? क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो ट्रेन आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। तो पहले क्या हुआ होगा? हम स्टेशन पहुंचे, उसके बाद जो ट्रेन आई, तो पहले हम पहुंच गए स्टेशन, तो वो किससे बनेगा? वो बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। तो कैसे बनेगा? आई नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा आपका वी, बी सेल, बी सेल हैव रीच द स्टेशन, बी सेल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पहुँच चुके होंगे। पुलिस के आने से पहले क्रिमिनल भाग चुका होगा, यानी कि पुलिस बाद में आई होगी और क्रिमिनल पहले भाग गया होगा। तो क्रिमिनल भाग गया, तो पहले तो हम उसको बनाए थे, क्रिमिनल भाग गया होगा। कैसे? द क्रिमिनल विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव। देखिए पुलिस क्या है, पुलिस अराइव्स क्यों नहीं आए यहाँ पर? क्योंकि पुलिस अपने आप में ही प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। पुलिस ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति हो पुलिस, पुलिस तो ऑलरेडी एक ग्रुप है ना, तो ये आपका ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल में SIS नहीं आता है, ठीक है। तो द क्रिमिनल विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका, परीक्षा शुरू होने से पहले मैं परीक्षा सेंटर पहुंच चुका हूँगा। परीक्षा शुरू होने से पहले मैं परीक्षा सेंटर पहुंच चुका हूँगा, इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हम I shall have reached the examination center। मैं examination center पहुँच चुका हूँ। क्या करने से पहले? Before the examination start, examination start होने से पहले, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, देखिए ये तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि why the time या why then या why कोई मंथ का नाम, by evening, morning, night, बाई कोई भी टाइम, 4 o'clock, 5 o'clock, बाई 8 PM, 7 PM, 9 PM, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई द एंड ऑफ दिस डे। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस में अगर कहीं भी यूज होता है तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए कुछ छोटा सेंटेंस भी देख लेता हूँ मैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया, जैसे क्या कामना घर आ चुकी होगी, तो बिल कामना Have come at home, बिल कामना have come at home, very simple। वे शाम तक क्यों लौट चुके होंगे, यानी वापस क्यों आ चुके होंगे, तो why will they have returned by the evening, by the evening। अब देखो यहाँ पर आया है by the evening, अब देखिए यहाँ पर भी है by the evening, है ना। इससे पता चलता है कि हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सोने से पहले उसने क्या खाया होगा, सोने से पहले उसने क्या खाया होगा। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सोने से पहले उसने क्या खाया होगा भाई, तो वॉट विल ही ईटन, वॉट विल ही ईटन बिफोर ही स्लीप्स, बिफोर ही स्लीप्स। बिफोर से पहले आपका सेंटेंस वो बना है जो पहले हुआ है, उसके बाद में वो बना है जो बाद में हुआ है। तो बाद में जो होता है इसके अंदर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट बनता है, और जो पहले होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, सप्ताह के अंत में आप अंग्रेजी कैसे सीख चुके होंगे। भाई एक हफ्ते आपने क्लास ली और आपसे पूछा गया कि एक हफ्ते क्लास लेने के बाद इस हफ्ते के अंत में आप इंग्लिश कैसे सीख चुके होंगे, तो हाउ विल यू हैव लर्नड इंग्लिश बाई द एंड ऑफ द वीक, बाई द एंड ऑफ द वीक। देखो यहाँ पे आया बाय द एंड ऑफ द वीक, ये आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। सप्ताह के अंत में आप अंग्रेजी कैसे सीख चुके होंगे, तो हाउ विल यू हैव लर्न इंग्लिश बिफोर एंड ऑफ द वीक। क्लियर। नेक्स्ट,
कल तक सभी स्कूल क्यों बंद हो चुके होंगे है? जैसे कभी कभी क्या है कि समर वैकेशन हुई, विंटर वैकेशन हुई है ना, कोविड का टाइम था, तो कोई रीज़न पूछ रहा है कि कल तक सभी स्कूल क्यों बंद हो चुके होंगे, तो व्हाई विल ऑल द स्कूल हैव क्लोज बाई टूमारो। तो व्हाई विल ऑल द स्कूल हैव क्लोज बाई टूमारो, उसका मतलब है कि कल तक सभी स्कूल क्यों बंद हो चुके होंगे। यहाँ पर वही पहले आया, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब भाई, और फिर ये सब्जेक्ट है ऑल द स्कूल, फिर है उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये बाय टुमारो मैंने बताया था, इस तरह के सेंटेंसेस आपके फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, क्या वह घर नहीं आया होगा, तो विल ही नॉट हैव कम एट होम, विल ही नॉट हैव कम एट होम। ठीक है, ये हो गए सेंटेंसेस, अभी समझ में आ गए बच्चों? समझ में आ गए तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई होप, है ना। अगर समझ में आ चुके हैं तो एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बना करके कमेंट में डालना कि क्या सीजन के अंत तक आम खत्म हो जाएंगे या आम खत्म हो चुके होंगे। सीजन के अंत तक आम खत्म हो चुके होंगे, अभी सीजन आम का चल रहा है इस समय, लेकिन सीजन के अंत तक आम खत्म हो चुके होंगे, या दिखेंगे भी नहीं, बहुत सोने के भाव मिलेंगे उस समय, है ना। तो इसका आप अगर बना सकते हो तो आप मुझे बना करके कमेंट में भेजें। ठीक है, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो वो मुझे लिख करके भेजें कि सर समझ में नहीं आया, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप दोबारा से वॉच करें। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लगातार आती हैं, डेली एक वीडियो आती है सुबह 8 बजे, टेंस की इस समय सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस वोकैब की ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप टीचर हैं तो टीचर को किस तरीके से CBSE स्कूल में पढ़ाते हैं, इस तरह की वीडियो भी मैं ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ चैनल पर, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आप इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको काफ़ी तरह की टाइप की वीडियो मिलेंगी, जिसमें अगर आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव से संबंधित मिलेंगी आपको। अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी सारी वीडियो होंगी जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। बेसिकली मेरा इस चैनल का जो पर्पज़ है वो इंग्लिश बोलना सिखाना है। ठीक है ना, तो इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं वो सिखाना है। बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड भी मैं टेंस में कोई भी कमी नहीं छोड़ता कि जिससे कि आपका अगर टेंस में आता है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।